हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, ना ही कोई ब्लॉग लेके आई हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, वो है कि हम लोग मेहंदी कैसे लगाएंगे, कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है नेहा मेहंदी और आज फर्स्ट टाइम ये मेहंदी मैं ट्राई करने वाली हूँ। आई डोंट नो इसका रिजल्ट क्या होगा, बट जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये नेहा मेहंदी जो है वो आज ही मैं डालने वाली हूँ। तो चलिए, इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आपको लेनी है, आपके बालों में कितनी जाती है। तो ये पैकेट मैंने फाड़ के निकाल लिया है। एक्चुअली ये मेहंदी मुझे काफ़ी रियल लगी, मैंने बहुत सारी मेहंदी ट्राई किए हैं लेकिन काफ़ी मुझे वो सब इफ़ेक्टिव नहीं लगे, लेकिन ये मेहंदी का जो कलर है बिल्कुल भी ओरिजिनल लगा, इसी वजह से मैंने इसे बाय किया है। एंड मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ इसका जो है अनुभव शेयर किया जाए। तो सबसे पहले आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग जो है मेहंदी लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेहंदी का कलर कितना प्यारा है, बिल्कुल जैसे कि एकदम प्योर मेहंदी होती है वही कलर है। बाकी सारी मेहंदी तो आजकल की बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाली आती है, तो ये मैंने ले लिया है। और इसके साथ बहुत सारे पाउडर जो है वो मैं डालने वाली हूँ, जो कि मैं फर्स्ट टाइम खुद ट्राई कर रही हूँ। और अभी जो है हेयर फॉल की समस्या और समय से पहले बाल पक जाना, सभी के साथ बहुत सारे हेयर के जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन जो है परचेज की है, आप बोलेंगे तो इसका लिंक दे दूंगी। तो ये भिरिंगराज जो है वो पाउडर है, तो ये आप जानते हैं कि ये बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं इसे ज़्यादा नहीं, सारी चीज़ों में से हाफ हाफ चम्मच ही डालूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से मैं एक एक चम्मच ही डाल रही हूँ। पहले मैं इसे सबको ट्राई करना चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या है। और दूसरा जो है वो है हिबिस्कस, जिसे हम लोग फूल बोलते हैं, जो चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, फेस के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका भी मैंने पाउडर मंगाया है और इसको भी मैं हाफ चम्मच ही यहाँ पे देखिए डाल रही हूँ। और उसके बाद दूसरा जो है पैकेट मेरे पास रीठा है। रीठा बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, बालों को काला करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो इसको भी मैं हाफ चम्मच ले लेती हूँ। ये ऑफर में काफ़ी सस्ते दामों में मुझे मिल गए ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि इसे ट्राई किया जाए। और ये सभी जो है ना आयुर्वेदिक हैं, कि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये बालों को मुझे नहीं लगता है कि कुछ जो है गलत इफ़ेक्ट देंगे, अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा आपका। और ये सिकाकाई, आपको पता है कि सिकाकाई जो शैम्पू होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, तो इसका भी हाफ चम्मच मैंने ले लिया है। उसके बाद ये लास्ट बच रहा है हमारा आंवला पाउडर। तो आंवला तो हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो इसका भी मैं हाफ चम्मच ले लूँगी। तो ये देखिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें थी इसीलिए मैंने सबका हाफ हाफ चम्मच लिया। अगर एक दो चीज़ रहती, मैंने इसमें टोटल पांच चीज़ें डाली है इसलिए मैंने हाफ चम्मच लिया, अगर एक दो चीज़ होती तो मैं फुल भर भर के चम्मच लेती। तो ये हमारा मेहंदी का क्वांटिटी आई थिंक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मेरे हेयर जो हैं थोड़े से लंबे हैं, तो थोड़ी सी मेहंदी और मैं इसमें डाल दूंगी। और अगर आपको लगे कि आपको और भी ज़्यादा इसमें बाकी सारे पाउडर को मिक्स करना चाहिए तो आप बेशक डाल सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है चीज़ें इसमें। तो अब जो है इसमें मैं डाल रही हूँ ये चाय पत्ती का पानी, जिसे कि मैंने दो चम्मच चाय पत्ती लिया था और उसको जो है अच्छे से मैंने बॉईल करके और ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसी पानी से जो है आपको अपना मेहंदी का घोल जो है वो तैयार करना है। अगर आपके पास ये सारे पाउडर नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप सिंपल से इसे चाय की जो पत्ती आती है उसमें अपनी मेहंदी को घोलें, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इसमें जो है आंवला पाउडर और ये जो भृंगराज का पाउडर है ये आप ज़रूर डालें, या फिर आप इसकी जगह पे मेथी का पाउडर जो आता है, मेथी को आप पीस ले और पीस करके उसका एक महीन पेस्ट पाउडर बना ले और उसको आप अपनी मेहंदी में ऐड करें और उसको इस तरह के चाय के पत्ती के पानी में ही घोलें,
तो जो है आपका मेहंदी बहुत अच्छा कलर देगा, प्लस में आपका हेयर का अच्छा कंडीशनिंग हो जाएगा, क्योंकि चाय की पत्ती जो है ना बालों के लिए बहुत ज़्यादा शाइनी होती है और बालों को बहुत सिल्की बनाती है। तो ये एक तरह का कंडीशनर का काम करती है हमारे हेयर के लिए। तो ये देखिए, पानी आपको कम ज़्यादा लगे तो आप ऊपर से और सादा पानी मिला सकते हैं। और मेहंदी का कलर देखिए, बिल्कुल भी एकदम रियल कलर आया है, जस्ट बिकॉज इसीलिए मैंने ये मेहंदी जो है वो परचेज की थी। तो इस मेहंदी को मैं ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूंगी, इसको रात भर के लिए मैं छोड़ दूंगी फूलने के लिए, और सुबह मुझे जब लगेगा कि इसमें पानी और मिलाना चाहिए तो मैं इसमें और पानी ऐड करूंगी, और साथ में मैं इसमें एग भी डालूंगी। इस वजह से मैं इसमें पानी कम डाल रही हूँ, क्योंकि एग डालने के बाद भी ये पतला होगा। तो इसे ओवरनाइट या 4 से 5 घंटों के लिए आप ज़रूर इसे रख दें। तो मैं इसे ढक करके रात भर के लिए छोड़ दूंगी, और फिर कल सुबह जो है मैं इसे लगाऊंगी और आपको लगाने का सही तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ पे रात भर जो है वो मैंने मेहंदी को छोड़ दिया था। तो ये देखते हैं, अब आप ये देख सकते हैं ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है ये कितना प्यारा आया है, और ये चाय पत्ती के जो पानी है उसमें घोलने की वजह से आया है। तो इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी अंडा। तो एग डालने के लिए आपको पूरा एग नहीं डालना है, क्योंकि पूरा एग डालने से जो व्हाइट येलो वाला पार्ट होता है वो डालने से बहुत ही गंदी स्मेल आती है आपके जो मेहंदी में, और बाल भी जो है वो रूखा हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं जैसे हमेशा अंडा डालती हूँ वैसे। तो इसमें बस इस तरीके से आप छेद कर देंगे तो बस व्हाइट पार्ट ही जो है आपका निकल के आएगा, बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा। बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा आपको एग को जो है वो झटका देना है। ये देखो आपका व्हाइट पार्ट इस तरीके से पूरा निकल जाएगा, और येलो पार्ट जो है वो एग के अंदर ही रह जाएगा। तो ये बहुत ईजी तरीका है। अब जैसे ही देखो येलो पार्ट निकलने लगा मतलब कि व्हाइट पार्ट एंड हो चुका है। तो इसको हम लोग साइड में रख देंगे, इसको आप दूसरे एग में ऑमलेट बना के खा लो, या फिर जैसे आप यूज कर लो। बाद बाकी आपको इसमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो मेहंदी लगाने से पहले आपको जो है अपना जो भी अंगूठी वगैरह आपने पहना होगा वो निकाल लेना है, और जो कपड़ा आप वेयर करते हैं मतलब जो थोड़ी ख़राब हो, क्योंकि मेहंदी लगाते वक्त है ना वो गिरती है, और इस तरीके की जो प्लास्टिक है यूज एंड थ्रो, ये ग्लव्स आती है हैंड के लिए मेहंदी वगैरह लगाने के लिए, वो आप मार्केट से खरीद लें। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो फिर परमानेंट भी आता है, या फिर प्लास्टिक जो आपके घर में आती है वो प्लास्टिक भी हाथों में लगा के लगा सकते हैं, या फिर विदाउट प्लास्टिक भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को हाथों में जो है ना कलरिंग लग जाती है तो पसंद नहीं आती है, इस वजह से हम ग्लव्स पहन लेते हैं। तो मैं यूजुअली जो है प्लास्टिक ही लगाती हूँ जो घर में हमारे रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो बनाना है इसी वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये ग्लव्स लगा के भी दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से हैंड प्रोटेक्ट भी रहती है और इजीली लग भी जाता है। तो अब ये हाथों में मैंने लगा लिया है दोनों ग्लव्स, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है जिससे आपको लगाने में बहुत आसानी होती है। आप यहाँ पे चाहें तो रबड़ वगैरह लगा सकते हैं जिससे आपका प्लास्टिक इधर उधर ना हो। तो अब सारी तैयारी हो गई है तो हम लोग मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल भी माथे के सेंटर से आपको थोड़े से अपने बालों को जो है वो लेना है, बीच में एकदम लेना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आगे से ले लें या फिर बहुत ज़्यादा पीछे से। और फिर जड़ों में अच्छे से मेहंदी को लगाएं, और फिर पूरे बालों में अच्छे से आपको मेहंदी लगा लेना है, और फिर इसको टाई कर देना है, मतलब कि इसको हम लोग गांठ लगा देंगे। तो गांठ लगाने के लिए बिल्कुल भी ना सोचें कि बाल खुलेंगी नहीं, ये डेफिनेटली खुल जाएंगी जब आप हेयर को वॉश करेंगे, और इसको अच्छे से हम लोग लपेट देंगे, और ये एक तरह का बेस जो है वो रेडी हो गया हमारा जूड़ा बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ी सी मेहंदी और ऊपर से लगा दें ताकि अदर जो बाल हम लोग इसमें लगाएं तो अच्छे से ये जो है चिपकती जाए। अब इसी तरीके से थोड़े थोड़े जो है मैं हेयर को लेते जाऊंगी और उसमें मेहंदी लगा के इस तरीके से मैं लपेटते जाऊंगी। तो ये बड़ा ही आसान होता है हम लोगों के लिए लगाना इस तरीके से मेहंदी, और इस तरीके से हमारे बालों में अच्छे से मेहंदी भी लग जाती है और हमारे पैसे
ही बच जाते हैं, क्योंकि पार्लर वगैरह में आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और एक झंझट सा भी लगता है कि जाओ और फिर अपने बालों में इस तरीके से कलर करवाओ। तो बड़ी आसानी से आप घर पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और आप लोगों को मैं बहुत अच्छा टिप्स भी यहाँ पे शेयर करूँगी कि किस तरीके से अगर आपकी मेहंदी जो है वो कम पड़ जाए तो फिर आपको किस तरीके से आपको मेहंदी लगानी है। मैं आपको फोकस करना है कि आपका जो हेयर है वो कहाँ पे ज़्यादा सफ़ेद हुआ है। जैसे कि मेरा हेयर जो है वो सामने से बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गया है और मेरे पीछे के जो हेयर हैं वो बिल्कुल भी काले हैं। तो मुझे ज़्यादा जो है अपने मेहंदी को लगाने में फोकस करना है अपने आगे के हेयर पर, क्योंकि आगे के हेयर को ही मुझे रेड करना है। बाद बाकी नरिशिंग के लिए सारी चीज़ें अदर मैं बालों में लगा रही हूँ, लेकिन जूड़े को आप इस तरीके से बनाएं कि मतलब आपका जूड़ा परफेक्ट हो, बहुत आगे की तरफ भी ना झुक जाए, वरना बहुत ही अजीब सा लगता है देखने में और दिक्कत भी होती है। तो मैं दोनों मतलब चारों तरफ से हेयर को एक एक लेयर लेते जाऊँगी और इस तरीके से लगाते जाऊँगी। तो आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बाल चारों तरफ से मैं लेते जा रही हूँ और फिर जूड़े में इस तरीके से लपेटती जा रही हूँ। तो अब मैं आगे के बालों पर फोकस करूंगी और चूँकि मेरे आगे के जो बाल हैं वो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद, तो मैं आगे के पहले मेहंदी लगा के इसको फिनिश करूंगी ताकि अगर मेहंदी मेरा कम पड़ जाए तो मैं पीछे के बालों में कम भी लगाऊं तो वो जो है वो चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए आगे के बालों पे और भी अच्छे तरीके से मैं बालों के जो जड़ों में होती है फिर बालों में अच्छे से मेहंदी को लगाऊंगी पतले पतले लेयर लेके, ताकि जो है जितने भी सफ़ेद बाल हो वो अच्छे से रेड हो जाए और मेरे बालों को अच्छा सा मतलब पोषण मिले। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये मैं अपने हेयर में मेहंदी को लगा रही हूँ और इस तरीके से ही मैं बहुत ही सालों से मेहंदी लगाती आई हूँ। ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेहंदी के कि आपको किस तरीके से लगाना है, लेकिन ये जो मैंने लगाया है ये मैं बिल्कुल आपको घर के तरह लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आपको पार्लर के दिखते हैं कि कोई और लगा रहा है और फिर आप इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको खुद लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप इसी तरीके से जो है मेहंदी अपने बालों पे लगाओगे। तो इस तरीके से फटाफट से मैं पहले आगे के बालों पे आप देख रहे हैं सारी मेहंदी को लगा लूँगी। अब यहाँ पे चूँकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं और मेहंदी की क्वांटिटी मैंने कम ली है तो मेहंदी मेरा जो है वो कम पड़ गया, तो मैंने पीछे के बालों को बस दो मोटे मोटे लेयर लिए, आई मीन कि चार लेयर लिए और थोड़े थोड़े मेहंदी लगा के बस ऊपर से मैंने जूड़े में चिपका दिया और उसके ऊपर मैं मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि इन बालों पे मुझे कलर की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ नरिशमेंट चाहिए थी मेहंदी का, जो मैंने अंडा और बाकी सारी चीज़ें डाली थी उसका जो पोषक तत्व है वो मेरे में बालों में जाए, बस वही चाहिए थी मुझे। इस वजह से इसका मोटा लेयर लगाऊंगी और जो मेहंदी बाद में बच जाएगा उसको मैं जो मेरे हेयर जैसे आगे मेरे हेयर सफ़ेद हैं उसको अच्छे से लगाऊंगी, फिर पीछे के जो बचे हुए हेयर हैं और जो ये ऊपर से आपको देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से आपको लगाने से क्या होगा कि आपके बाल को अच्छा पोषण भी मिलेगा और फिर जो है आपका मेहंदी कम भी पड़ जाएगा। तो आपका मेन जो काम है कि बालों को आपको लाल करना है तो वो भी हो जाएगा। तो बचे हुए जो भी मेहंदी है उनको देखिए मैं अच्छे तरीके से आगे के हेयर पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि यही पोर्शन जो है किसी भी चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आगे के ही बाल सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सफ़ेद होते हैं, तो इसी वजह से आगे ही बहुत ज़्यादा मैं लगाऊँगी ताकि मेरे बाल जो हैं वो अच्छे से कलर में आ सके। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो है मेहंदी किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ
और कुछ कुछ फेस पे भी लग गया है। तो डोंट वरी, मेहंदी पूरे लगाने के बाद इसको हम लोग अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि हमारे फेस पे जो है वो मेहंदी का कलर नहीं आए। तो ये मेहंदी लगाते वक्त तो ऑब्वियसली है कि हमारे कानों पे, गले पे और फेस पे जो है एक्स्ट्रा मेहंदी वो लग जाते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में साफ़ हो जाते हैं। देख सकते हैं कि मेरा मेहंदी कितने अच्छे तरीके से लग चुका है, और आप इसी तरीके से अपने घर में मेहंदी लगा सकते हैं। और किस तरीके से अगर आपकी मेहंदी कम पड़ जाए तो आपको कौन कौन से जो मेन एरियाज है उस पर आपको फोकस करना है और मेहंदी को लगाना है, ये सारा तरीका मैंने बता दिया कि एंड में मेरी मेहंदी कम पड़ गई थी तो किस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती है सीखने के लिए। एंड आप मेरा हैंड भी देख सकते हैं, ग्लव्स लगाने की वजह से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ हाथ में। और जो भी हमारे फेस पे एक्स्ट्रा लगा हुआ था उसको जल्दी से वाइप आउट कर लेना है किसी भी भीगे हुए कपड़े से, वरना आपके फेस पे मेहंदी का कलर आ जाएगा और जो कि छूट तो जाएगा बट अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो मेहंदी लगा लिया है और इसको मैं 3 से 4 घंटे रखने वाली हूँ, देन मैं वॉश करके आप लोगों को बताऊंगी कि मेहंदी को धोने के बाद हम लोग कौन सी गलतियाँ करती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, मेहंदी धोने के बाद क्या करना चाहिए बालों के साथ, वो सारा डिटेल मैं शेयर करूंगी आफ्टर 4 आवर्स। तो मिलते हैं 4 घंटे। बैकग्राउंड बार बार चेंज हो रहा होगा क्योंकि 4 घंटे एक जगह नहीं बैठ सकती। तो 4 घंटे हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट जो है सूख चुका है, बट आपको सूखने का वेट नहीं करना है क्योंकि मेहंदी को बालों में बिल्कुल भी धूप वगैरह से नहीं सुखाना है। आपको जब भी मेहंदी लगाना है घर के अंदर रहना है, क्योंकि अगर ये धूप की वजह से या फिर मेहंदी ज़्यादा सूख जाएगी तो आपके हेयर रफ हो जाएंगे। तो आपको बस अपने बालों में 4 घंटे लगा के रहना है और घर के अंदर ही रहना है, ये नहीं सोचना है कि अभी पूरा नहीं सूखा है तो मुझे नहीं धोना है, नहीं, आपको 3 से 4 घंटे बाद इसको धो लेना है और इसको बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है कि सूख जाएगा बाल रफ हो जाए। तो ये मतलब चिपचिपा हल्का हल्का है, लेकिन मेरा 4 घंटा पूरा हो गया है तो मुझे हेयर वॉश करना है। तो चलिए हेयर वॉश करके और उसके बाद सूखने के बाद देखते हैं कि कैसा। तो यहाँ पे देखिए बाल को मैंने हेयर वॉश कर लिया है और सूख भी गया है और बहुत अच्छा कलर आया है, कलर का तो नहीं पता लेकिन इतना बाल सिल्की हो गया है ना, जैसे लग रहा है कि मैंने शैम्पू लगाया है, कंडीशनर लगाया है, बट जस्ट मैंने नॉर्मल पानी से वॉश किया है हेयर को और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, कंघी भी नहीं लगाया है। और ये आप देख सकते हैं मेरे बालों की चमक कितनी शाइनी है, ये बहुत, तो मुझे रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मैं बालों में तेल लगाऊंगी और तेल लगाने के नेक्स्ट दिन यानी कि कल मैं अपने हेयर को वॉश करूँगी। तो आप भी ऐसे ही करना है, तो अभी आप कोई सा भी ऑयल लगा लें जो भी आप लगाते हो अपना तेल, और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद बाल को धो ले। तो जा रही हूँ मैं अभी तेल लगाने और उसके बाद जब फाइनल अपना हेयर वॉश करूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। रिजल्ट देख सकते हैं कि मेहंदी लगाने के बाद जो है मेरा बाल कितना स्मूथ, कितना सिल्की और शाइनी हो चुका है। और पूरे 2 दिन बाद मैंने हेयर वॉश किया है ऑयल लगाने के बाद, और मैं रूम में हूँ और सिर्फ एक बल्ब का ये रोशनी है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये कलर और कितना शाइनी हो गया है। बहुत बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ये वाला जो मेहंदी लगाने का तरीका है ये ट्राई कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।